Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. चाहे सभिनी खां पहिरीं त मां सैयद साले शाह खे हिन असेंबली में वेलकम थो कयां एज़ लीडर ऑफ द हाउस. साले शाह, मां आई डोंट नो इफ ही लाइक दिस ऑर नॉट ऑर हेट मी फॉर इट, मुंहिंजो नंढो भाउ आहे ऐं आउं हिनखे साले शाह जे नाले सां न सैफ जे नाले सां सुञाणंदो आहियां. सॼी उमिरि सैफ चयो अथऊं. हाणे मुबारक हुजे हिन असेंबली जो मेंबर थियो आहे ऐं हिन सां गॾोगॾु मुबारकबाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब खे, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहिब खे, पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप खे ऐं सभिनी खां वधीक दादू ज़िले ऐं ख़ासि तौर ते हिन PS 86 जा जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा वर्कर आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सपोर्टर्स आहिनि. PS 86 जेकी जोही तालको ऐं दादू तालके जे कुझु यूनियन काउंसिल ते मुश्तमिल आहे. इहे इलाइक़ा हमेशह हिननि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो साथ ॾिनो आहे. हिन दफ़े वरी बि दादू जे अवाम, जोई जे अवाम मल्हाई ऐं जीअं ॿुधायो हो त जनरल इलेक्शन 2018 जंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जी तारीख़ में सिंध मां सभिनी खां वधीक वोट खयां ऐं सभिनी खां वधीक सीटूं खयूं, उन लीड खे टे गुना हिन इलेक्शन में दादू वारनि ऐं जोई वारनि वधाए इन एतमाद जो इज़हार कयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन सूबे जे अवाम जी, हिन मुल्क जे अवाम जी ख़िदमत थी करे. ऐं जेके स्पेक्युलेशन्स पिया हलियूं, जेके पंहिंजो इन्हनि फैलायूं पिए अहिड़ी ख़बरूं, उन्हनि खे ख़तमु करे छॾियऊं. इन जे बावजूदि जो मां चवणु कोन थो चाहियां त हर क़िस्म जी हिन इलेक्शन में बि कोशिशि की वई जे माण्हुनि खे न वञिणो हो, उहे ज़िलनि में बि थी आया. मुंहिंजो पंहिंजो ॻोठु आहे ई दादू, ॿ यूनियन काउंसिलूं जेकी, बल्कि टे यूनियन काउंसिलूं. पहिरीं आऊं उतां मेंबर हूंदोसि 2002 खां 2013 जी इलेक्शन ताईं. 2018 में पोइ तक जीअं थोरा चेंज थिया, पोइ उन जे बावजूदि मूं दादू ज़िले में वञण बि मुनासिबु न सम्झो ड्यूरिंग दिस पीरियड. पर असांजा कुझु दोस्त, कुझु अलाए कहिड़े शक शुबे में अची उते वञी विया त शायदि को वॾो कारनामो कंदा, पर दादू में ज़ियाउलक जहिड़े डिक्टेटर खे जीअं चवंदा की उहो दुम दॿा के भागा था, उसी तरीक़े सां इहे लोग बि उस दिन शर्मिंदा होके उधर से वापस आए और लोगों ने दिखा दिया इलेक्शन के दिन की क्या होता है. मैं ख़ास तौर पे साले शाह साहब इलेक्शन लड़े, वो अपने मरहूम वालिद साहब की नक्शे कदम पे चढ़ते हुए, मैंने पहले भी जिक्र किया था, मैं जब सैयद गुलाम शाह की डेथ हुई थी, मैं आज फिर बताता हूँ कि कम लोगों को पता है, मैंने उस दिन बताया था, फिर भी मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ कि इस सूबाई असम्बली सिंध में रिकॉर्ड तो निसार खोड़ो साहब और कायम अली शाह साहब का है कि सबसे ज़्यादा मेंबर बने. उसके बाद मरहूम सैयद गुलाम शाह जिलानी साहब का था जो 6 बार इस असेंबली के मेंबर बने थे. उससे पहले वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दादू के चेयरमैन भी रहे और अब साले शाह जिलानी साहब को अवाम ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हल्के की अवाम ने ये मौका दिया है कि वो इस हल्के की अवाम की खिदमत करें. मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए, जैसे शख्सियत वो थे कि किसी को कभी उन्होंने कोई तकलीफ नहीं दी और हर आदमी, कभी मैंने उनको किसी वक्त भी गुस्से में या जो है किसी पे नाराज़ होते हुए नहीं देखा. और जैसे बाकी सब ने, अदी ने भी बात की, गुलाम कादिर ने बात की, मेरे अपने हलके में उनके बहुत ज़्यादा मोतकद मुरीद हैं,
जब भी उनसे रिक्वेस्ट करता था वो अपनी इलेक्शन भी छोड़ के मेरी तरफ आते थे मदद करने के लिए। ये उनकी शख्सियत थी। मुझे उम्मीद है कि पीर सालेह शाह जिलानी भी अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए इलाके के लोगों के साथ और पार्टी के साथ उसी किस्म से लॉयल्टी दिखाएंगे जैसे कि उनके वालिद साहब ने दिखाई। दादू और ख़ासतौर पर जोई का इलाका, उसकी काफ़ी मुश्किलात हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सालेह शाह जिलानी इलाके के लोगों को, सारे मोतबर लोगों को, इलाके की आवाम को साथ लेके जो उनकी तकालीफ हैं, और पता है मुझे इसलिए कि मैं इलेक्शन के दौरान तो नहीं गया था, जैसे इलेक्शन हुई सालेह शाह जीत के मेरे पास आए तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि जी हालात बहुत ख़राब हैं, मैं पानी के मसाइल हैं उधर, ख़ास तौर पर जोई सिटी में, जोई सिटी में इरिगेशन के पानी का मसला है। मैंने सालेह शाह से कहा है कि आप अपने लोगों के साथ रहें, इंशाल्लाह ताला सिंध हुकूमत जो मदद कर सकेगी और जिस तरीके से मसाइल हल कर सकेगी, सिंध हुकूमत आपके पीछे खड़ी है, आप अपने आप को वक्फ कर दें इस इलाके के लोगों की खिदमत करने। मैं आखिर में एक बार फिर चेयरमैन साहब को, प्रेसिडेंट साहब को, अदी फरियाल साहिबा को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, और जैसे मैंने कहा ख़ास तौर पे मैं नाम लूँगा, किसी का रह जाएगा तो बड़ी ज्यादती होगी, लेकिन कुछ इधर बैठे हैं दोस्त, मैं उनका नाम लूँ, चाकर खान शाहनी साहब, सरदार चाकर खान है, सरदार दुरमोहत बोजदार हैं, सईद खान जवाली मुझे नज़र आए थे जी बैठे हैं, उसके अलावा यहाँ पे बंदे नहीं लगा रही आए नहीं उनके बैठे हैं, बाकी दो सईद जमाली का नाम लिया मैंने, सईद जमाली साहब, उसके अलावा यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं, इसलिए कि ये सालेह शाह नहीं जीता, ये सब जीते हैं उस हल्के से, ये सब उस हल्के के एमपीए हैं। और इस खुशी में आज अपने उम्मीदवार जिनको इन्होंने जितवाया है, अल्लाह ताला ने जितवाया, पीपल्स पार्टी ने जितवाया और इस हल्के के लोगों ने जितवाया, वो उसकी खुशी में शामिल होने, पीपल्स पार्टी की खुशी में शामिल होने सब आए, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये इलेक्शन, जैसे कहा ना दोस्तों ने कहा था, कुलसुम चैनी साहिबा ने कहा था कि सब ने अपनी इलेक्शन करके ये इलेक्शन लड़ी और देखा कि जब सब मुत्तहिद थे तो पीपल्स पार्टी को हराना मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल है। जब भी ऐसा हुआ है ज़रूर कोई ना कोई, ज़रूर क्या, ये हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि इस तरीके से इलेक्शंस को रिक करने की कोशिश की जाती है, हमने देखी है सारी टाइप की इलेक्शंस, हम हुकूमत में होते हुए भी उन लोगों से कहते हैं कि भाई मेहरबानी करो, अभी भी ये था कि जी लोगों को सिर्फ वोट देने दो, कोई हरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, लोग फ्रीली अपना वोट दें। पीपल्स पार्टी से इलेक्शन जीतना तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी लोगों के दिलों में बसी हुई है, पीपल्स पार्टी को लोग चाहते हैं, और इंशाल्लाह ताला आप जितनी इलेक्शंस करा लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कामयाब होगी, हमेशा सुरखरू होगी। मैं एक बार फिर पीर सालेह शाह जिलानी साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस असेंबली का मेंबर बनने में, अपने वालिद साहब की जगह लेने में, और इसी उम्मीद से कि जैसे उनके वालिद साहब ने अपने इलाके की खिदमत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वफादार रहे, वो भी अपने सियासी करियर में उनको फॉलो करेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं ये दुआ भी मांगूंगा कि 6 बार मरहूम पीर गुलाम शाह जिलानी साहब इलेक्ट हुए, मैं यही दुआ करूँगा कि पीर सालेह शाह उनका भी रिकॉर्ड तोड़ें और ज़्यादा इलेक्ट हो। बहुत शुक्रिया।